हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट नंबर 17 कर रहे हैं। ये 3 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें भोजन के घटक से संबंधित कुछ पहेलियों के उत्तर ढूंढने हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं एक सब्जी हूँ, मैं जमीन के नीचे उगता हूँ। मुझे कच्चा या पका कर खाया जा सकता है। मैं आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक हूँ। मैं नारंगी और लाल रंग में मिलता हूँ। मैं कौन सी सब्जी हूँ? गाजर। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं एक सब्जी हूँ, किंतु वास्तव में मैं एक फल हूँ। लोग मुझे सॉस, चटनी और सलाद में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हम सॉस, चटनी और सलाद बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। यह सब्जी टमाटर है। मैं प्रोटीन के समूह का हूँ। मैं फार्म में रहने वाले जीव से आता हूँ। मुझे खोलने पर आप मेरे दो भाग देखेंगे। लोग मुझे उबालकर या भुजी बनाकर खाते हैं। यदि मुझे केक बनाने में उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो केक मुलायम बनता है। मैं डैश हूँ। यहाँ पर अंडा आएगा, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत होता है और यह फार्म में रहने वाली मुर्गियों से मिलता है। इसकी लोग उसे उबालकर और भुजी बनाकर सब्जी खाते हैं। मैं फल के समूह का हूँ। मैं खट्टे फलों का प्रकार हूँ। आप मुझे निचोड़कर जूस बना सकते हैं। मेरा नाम और रंग एक ही है। यह संतरा है। हमने अब तक क्या सीखा? सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए गए हैं। इनमें जो सही हैं उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सभी पोषक तत्वों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को अपने खाने में फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। ये सही है। आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, आलू में कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। दूध में सभी विटामिन होते हैं? नहीं, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। कुछ विटामिन खाना पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। सही। तेल वसा का एक स्रोत है, यह भी सही है। चिकने पदार्थों में वसा पाई जाती है। विटामिन सी शरीर की रोगों से लड़ाई करने में सहायक होता है, यह सही है। वृक्षांश रेशे ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह गलत है। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।